एजेंट है वो कहता है कि डमी टिकट है, तो वो आप ये समझो कि वो डमी टिकट अपने माइंड से निकाल दो कि मेरी रिटर्न टिकट आने जाने की ओरिजिनल टिकट है, क्योंकि ओरिजिनल टिकट ही डमी टिकट बाद में बनती है, बन जाती है। बाजू में शायद इनसे मैंने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, आज से पहले आप एक दो वीडियो में आए हैं मेरे, आज पहली बार आए हो, आप कुछ कहना चाहोगे ऑडियंस को? और ये भी यूट्यूबर्स काफी फेमस है, ऐसा नहीं है, इन्होंने बड़े बड़े ब्लॉगरों का इंटरव्यू ले रखा है। गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सारे लोग बहुत ही अच्छे होंगे। गाइज, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप इंडिया से या फिर किसी और कंट्री से ट्रेवल करके यूएई आने वाले हो, तो अभी करेंट टाइम पे डॉक्यूमेंट्स को लेके लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है। लोग मेरे से भी काफ़ी क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें बहुत से ऐसी वीडियो ऑलरेडी देख रखे हैं जिसमें उन्हें बहुत सी ऐसी चीज़ें बता दी गई हैं कि वो बहुत कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि आखिरकार वो करें क्या करें। जैसे रिटर्न टिकट हो गया, डमी टिकट हो गया, ऐसी बहुत सी बातें उन्हें कंफ्यूज कर रही हैं, होटल बुकिंग हो गई, तो ये सारी चीज़ें उनको कंफ्यूज कर रही। तो आज की इस वीडियो में मैंने काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स पढ़े, कमेंट पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को एक ऐसा वीडियो चाहिए जिसमें आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल दी जा सके। तो मैं आज की इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपको कोई भी पॉइंट ना छूटे और सारी स्टेप बाय स्टेप वीडियो में आपको बताऊंगा, आपको कहीं कुछ ध्यान नहीं देना, मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगा कि आखिरकार आपको करना क्या है। ठीक है गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखना बिना कहीं स्किप किए हुए, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है। तो गाइस, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप इंडिया से ट्रेवल करके आ रहे हैं या फिर किसी और कंट्री से दुबई के लिए ट्रेवल करके आ रहे हैं, तो जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बता दूँ कि वो यूएई गवर्नमेंट को चाहिए होती है। जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले 2000 दिरहम होने चाहिए अगर आपके पास हैं, तो वो यूएई गवर्नमेंट ही अप्लाई करती है कि नहीं आपको ये चीज़ चाहिए। रिटर्न टिकट आपके पास होना चाहिए, ये यूएई गवर्नमेंट ही कहती है। ठीक है, इंश्योरेंस आपके पास जो हेल्थ वाला इंश्योरेंस है वो आपके पास होना चाहिए, वो यूएई गवर्नमेंट ही कहती है। आपके पास होटल बुकिंग चाहिए, वो यूएई गवर्नमेंट ही कहती है। आपकी कंट्री की तरफ से, आपकी गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, आपकी कंट्री का काम बस इतना होता है कि आप जा रहे हो, ठीक है जाओ, जो भी डॉक्यूमेंट्स जो भी डॉक्यूमेंटेशन करवाना है वो आप अपनी कंट्री से करवा लो। ठीक है, बात ये आती है कि लोग कन्फ्यूज क्यों है। साफ सुथरी बात मैं आपको बता दूँ, जितनी ज़्यादा नॉलेज आप बाहर से गेन करोगे उतना ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाओगे। ठीक, आपको सिंपल सा तरीका है मैं आपको बता दे रहा हूँ यूएई आने का। अगर आप विजिट वीजा पे आ रहे हो, जॉब सीकर्स हो, ठीक है, सबसे ज्यादा जॉब सीकर्स वाले लोग परेशान हैं। अगर आप विजिट वीजा पे आ रहे हो तो आपको सिंपल सा आपको एक 3 महीने का विजिट वीजा ले लेना है। राइट, 3 महीने का विजिट वीजा आप ले लेंगे, उसमें आपका हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है और होप आपको वहां से मिलेगा। ना मिले तो आप जहां से भी विजिट वीजा ले रहे हो उनसे एक बार जरूर कंफर्म करें कि आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो क्यों आपको नहीं मिल रहा है। अब आपके पास विजिट वीजा आ गया, अब आपको करवानी है टिकट। टिकट जब आप करवाओगे तो आप दोनों टिकट करवाना, जाने की आने की, यानी जो रिटर्न टिकट हो रही है ये आपको करवानी है। अभी डमी का क्या है उस पर भी मैं आ रहा हूँ। अब आपके पास वीजा हो गया, इंश्योरेंस हो गया, अब आता है नेक्स्ट स्टेप, आता है आपकी टिकट का। आपको टिकट करानी है। टिकट आप ध्यान दीजिएगा कि आपकी जाने आने की, यानी कि जो लोग डमी की बात करें उस पर भी मैं आ रहा हूँ, वेट करो, उस पर उसको भी मैं बता रहा हूँ। आपकी पहले जाने की टिकट होगी, जाने की टिकट आप ले लोगे, उसके बाद में आपको आने की टिकट भी लेनी होगी। और ये जो डमी टिकट का फंडा चल रहा है ना, ये कुछ नहीं होता गाइस। सबसे पहले मैं आपको बता दूं डमी टिकट का मतलब क्या होता है, आप पहले ये चीज समझ लो। डमी टिकट का मतलब होता है नकली टिकट। हिंदी अर्थ आप गूगल करेंगे आपको पता चलेगा कि डमी का मतलब होता है नकली। बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, बता दूं मैं, नकली अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो वो यूएई की तरफ से मान्य नहीं है, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, और बहुत से लोग चौड़े होकर घूम रहे कि नहीं मैं तो आ गया हूं, तो भैया आप नहीं फंसे हो, दूसरे को क्यों फंसा रहे हो? अगर आप निकल आए हो तो निकल आए, अच्छी बात है। अभी मान लो चेक होने लगेगा, अगला बंदा वीजा लेके आया, टिकट लेके आया, इतना सारा खर्चा करके आया, वहां से अपने घर से लेके एयरपोर्ट तक आया, मैं जानता हूँ कितने पैसे खर्च होते हैं। उसके बाद में एक टिकट की वजह से, एक छोटी सी टिकट की वजह से आपको वहां से वापस जाना पड़े, तो यार ये तो बेवकूफी होगी ना, मुझे ऐसा लगता है। आप लोग बताओ, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप लोग मेरे को बताओ। दूसरी बात, अब मान लीजिए आपके पास टिकट हो गई जाने की आने की, अब आता है नेक्स्ट स्टेप, वो आता है आपकी होटल बुकिंग का। देखिए, होटल बुकिंग कोई कंपलसरी नहीं है कि आप करा ही लो, लेकिन अगर आप करा लेते हो तो अच्छी बात है। वैसे अगर आपको कोई जानने वाला में से है तो आप ये भी कर सकते हो कि जानने वाला अगर आपके पास कोई बंदा है, अगर आपका कोई जानने वाला है तो आप उनका नॉर्मल इमरत आईडी की फोटोकॉपी, साथ ही साथ आप उनका एक एड्रेस,
जहाँ पे वो रह रहे हैं, और उनका मोबाइल नंबर अगर आप दे दोगे तो आप होटल बुकिंग की जरूरत नहीं पड़ती है यार, इतना नहीं होता है। और गाइस एक बात मैं आप लोगों से और कहना चाहूंगा यार, इस चीज को बड़ी ध्यान से समझना, ठीक है। कहीं ना कहीं मेरे दिल में ये बात आ रही थी, मैंने कभी अपने वीडियो में ऐसा कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन आज मैं बोलना चाहूंगा कि यार ये जो आप इतने सारे वीडियोस देखते हो ना, जो दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच डॉलर के लिए वीडियोस बनते हैं, यार गाइज मैं भी बनाता हूँ वीडियो, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि किसी का नुकसान ना हो। इसमें इतनी चीजें एक्सप्लोर कर दी जाती हैं जिससे लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, पता है। और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो गोपनीय होती हैं, जो बताने वाली नहीं होती हैं, और लोग आराम से उससे ट्रेवल करके आ जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें छोटी छोटी एक एक दो दो डॉलर के लिए लोग इतना ज्यादा उसे एक्सपेंड करते हैं, इतना ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं कि आप लोग कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है यार, पैसा सबको कमाना है, एक डॉलर दो डॉलर सबको कमाना है, लेकिन ये जो एक एक पॉइंट दो दो पॉइंट को घसीट कितना लंबा कर दिया जाता है ना, कि आपको ये चीज करनी है करनी है, ये चीज हाँ ये चीज तो फैक्ट है कि जो चीज लीगल है वो लीगल है, वो चीज इलीगल है वो इलीगल है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि पहले तकरीबन एक से डेढ़ साल पहले किसी को पता ही नहीं था यार डमी टिकट लगती क्या ही नहीं लगती है कि नहीं लगती है, और लगती है शुरुआत से ही है। विजिट वीजा का मतलब ही यही होता है कि अगर आप विजिट वीजा पे जा रहे हो तो वहां से अगर आप वापस आओगे तो आपके पास टिकट है कि नहीं है। मान लीजिए वहां जाने के बाद आपके पैसे खत्म हो गए, आप कैसे आओगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन आपको ये करना है कि कंफ्यूज नहीं होना यार, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, आपको अपना कॉन्फिडेंस रखना। सेकंड थिंग ये भी है कि अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो विक्रांत भाई मैं बता रहा था, जितने भी दोस्तों हैं बता रहे थे, दरअसल अभी एक प्रॉब्लम चल रही है जी डमी टिकट को लेके, प्लस होटल बुकिंग प्लस 2000 दिरहम, आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हो? आपको क्या लगता है कि मतलब जैसे आप भी यहाँ रह रहे हो, हालांकि इस पे वीडियोस आप थोड़ा सा कम बनाते हो, लेकिन आपको नॉलेज प्रॉपर है, आप ये बताओ कि आपको क्या लगता है कि ये कहाँ तक सच है? और ये जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं ना छोटी छोटी वीडियोस देख के, जो दो दो तीन तीन डॉलर के लिए वीडियोस बन रही हैं इंटरनेट पे, और इनसे ही लोगों को कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है, वो तो आप और हम ही और जिनका होता है वो समझ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं लास्ट में जो सच है उसको भी उन लोगों को पता होना चाहिए। आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हो? ऐसा है कि ना, ये जो डमी टिकट का नाम था ना, ये पहले इतना एक्सप्लोर नहीं हुआ करता था, ठीक है ना, है। ये लोग करवाते थे, वो कहते ना कुछ चीजें अगर पर्दों के अंदर रहे ना वो अच्छा है, ठीक है ना। आप हालांकि वो लोगों का नुकसान हो गया तो आप उनको प्राइवेटली समझाएं, ठीक है ना, आप किसी और के ना मतलब ऐसे एक्सप्लोर नहीं करें, क्योंकि हमारी वीडियो आपकी वीडियो दिल्ली में चलती है, कस्टम वाले के हाथ में है कि आती है आराम से, आती है ना, वो तो कोई भी दे सकता है, कोई भी दे सकता है। तो उसमें क्या हो रहा है, वो $5 के लिए ना, $5 $2 के लिए जो हमारे जो भाई लोग आ रहे हैं ना, उनका नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है, उनका बड़ा नुकसान हो रहा है। वो डमी टिकट वो फंस जा रहे हैं, उनको क्या, उनको पता ही नहीं डमी टिकट क्या है, आप समझा दे लोगों को। डमी का मतलब डायरेक्ट नकली होता है, नकली है, डमी मतलब नकली है, नकली कोई काम करना नहीं है, वो चीज ठीक है कि यो यार नकली, जो काम करना ओरिजिनल करना है, ओरिजिनल करना है, क्योंकि आपको ना टिकट रिटर्न करवा ले ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको एट दी एंड आपका जब जॉब लग जाएगा, आपको वीजा चेंज करने के लिए तो आपको एग्जिट करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको 1200 दिरहम में यहाँ पे वीजा चेंज होता है। हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि अगर आप यहाँ पे आते हो तो जब आपको वीजा लग जाता है एम्प्लॉयमेंट में तो आपको एग्जिट तो करना ही करना है। और ये जो आप टिकट करवा के आते हो ओरिजिनल, ये उस समय काम आ सकती है, ऐसा नहीं कि काम ना। तो भाई जब आप दुबई आ रहे हो जॉब के लिए आ रहे हो तो थोड़ा तो खर्चा तो करना पड़ेगा। और हालांकि पहले डमी टिकट सिस्टम चलता था, पर अभी ये कि अभी लोगों ने इतना इसको एक्सप्लोर कर दिया तो मुझे लगता नहीं कि आने वाले टाइम में लोगों को बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि यार हर कोई होता है और चेक करते हैं, और कहीं ना कहीं लोग यार अपने जैसे देशों में विक्रांत भाई करप्शन का भी बहुत ज्यादा मामला फंस जाता ना, तो गाइस वहां तक आप लोग मत जाओ और कंफ्यूज ज्यादा ना हो, और जो भी काम करो देखो, अगर आपको पता चलता है या आपका मतलब एजेंट है वो कहता है कि डमी टिकट है, तो आप ये समझो कि वो डमी टिकट अपने माइंड से निकाल दो कि मेरी रिटर्न टिकट आने जाने की ओरिजिनल टिकट है, क्योंकि ओरिजिनल टिकट ही डमी टिकट बाद में बन जाती है, वो जाके कैंसिल कर देंगे, उसका रिफंड ले लेंगे, बात बराबर हो जाएगी। तो गाइज ऐसा है, बाकी आपको सिनेरियो आई थिंक समझ में आ रहा होगा कि कैसा है, और होप आप लोग समझ गए होंगे। और अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको और लेनी है तो इंस्टाग्राम आपको मिल जाएगा, और बाजू में शायद इनसे मैंने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, आज से पहले आप एक दो वीडियो में आए हैं मेरे, आज पहली बार आया हो, आप कुछ कहना चाहोगे ऑडियंस को? और ये भी यूट्यूबर्स काफी फेमस हैं, ऐसा नहीं है, इन्होंने बड़े बड़े ब्लॉगरों का इंटरव्यू ले रखा है तो विक्रांत भाई का काफी ज्यादा जो है, बस दोस्तों मैं कहना चाहूंगा टेक केयर, ठीक है ना, और किसी सबको सुने ऐसी बात नहीं है, सबको सुनना अच्छी बात है, ज्ञान बटोरना अच्छी बात है, पर सही ज्ञान बटोरना
अप्लाई वही करो जो आपको सही लगे, सही लगे, बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइस इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम।